आप देख रहे हैं बिहार की आवाज। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास जिले से आ रही है। रोहतास जिला के नोखा प्रखंड के जबरा गांव में भ्रष्टाचार विरोधी युवा संघर्ष समिति के बैनर तले राशन, आवास, पीने का पानी जैसी मूलभूत समस्या का समाधान न होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने जिले के तमाम वरीय के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। वही प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी व पुतला दहन की। इस समस्या से ग्रामीणों में नाराजगी इस प्रकार से है कि वे विधानसभा की वोट बहिष्कार की बात कह रहे हैं। कारण यह है कि यह गांव भाजपा के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया का पैतृक गांव है और नोखा विधानसभा के पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। फिर भी इस गांव के दलितों के लिए कोई काम नहीं किया गया। लोग अपनी समस्या किससे कहे, जब ग्रामीण अपनी समस्या को किसी जनप्रतिनिधि से कहते हैं तो निराशा ही हाथ लगती है और जब वरीय अधिकारियों के पास जाते हैं तो फटकार मिलती है। हर समय पैसे की मांग की जाती है। ये गरीबी अपनी रोजी रोटी की सोचे कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को काम के एवज में पैसे देते चले। इस गांव के लोग नोखा के वर्तमान BDO के दोगले रवे से इस प्रकार नाराज है कि वोट बहिष्कार की बात कह रहे हैं। गांव में पानी की समस्या नहीं चरम सीमा पर पाए है। नल जल योजना भी फेल है। लगभग 300 घर पर एक नल है जिससे आधा गांव पानी लेता है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि नोखा BDO और मुखिया द्वारा राशन कार्ड और आवास बनाने के लिए हजारों रुपए घुस की मांग की जाती है। राशन व आवास के लिए बार बार आवेदन जमा कराया जाता है पर अभी तक राशन कार्ड बना नहीं। ऊपर के अधिकारियों से भी बात की गई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहां तक कि जिला लोक शिकायत के आदेश भी बात नहीं मानते हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना था कि जनवितरण की दुकानदार रामदेव जिनका कार्ड है उनको भी राशन नहीं देता है और भगा देता है। BDO से कहने पर कोई सुनवाई नहीं होती है। पहले तो ऑफिस में घुसने नहीं दिया जाता। रोहतास से शौचालय जो है कपड़ा से साफ करते हैं पानी बिना। और दूसरा चीज ये है कि जो हम लोग को आयुष्मान भारत नहीं मिला है गरीबों को, जो 5 लाख रुपया जो मिलता है दावा कराने के लिए वो लोग हम लोग को भी नहीं मिला है। विकलांग, विधवा और वृद्ध का पेंशन नहीं बढ़ रहा है, कहाँ से लोग खाएगा? जब ये सब नहीं बढ़ रहा है तो हम लोग किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास भी नहीं, उसमें भी 20-20 हजार रुपया लेकर घुसखोरी लोग करता है। तो बताइए, जितना योजना निकलता है सरकार का वो सब लोग में बंदर बांट करके ये लोग हिस्सेदार बन जाता है। अफसर लोग जितना है ये सब गरीबों के ऊपर आतंकवाद फैलाया हुआ है। गरीब कहाँ से देगा पैसा, कहाँ से लाएगा? गरीबों को ही लूट रहा है। घुसखोरी के चलते हम लोग नाराज होकर पूरा गाँव के सामूहिक रूप से जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, जो कि ये मेरे पास कागज आया है सुप्रीम कोर्ट से। ये केस जो है प्रोसेस में CBI जांच करने के मांग किया गया है। इसमें किसी भी इन घुसखोरों पर, इस समझ की लुटेरों पर, सरकारी लुटेरा है ये लोग, सरकारी लुटेरों पर CBI जांच हो और जल्दी जांच हो। हम लोग को राशन कार्ड जो नहीं मिला है उसमें पैसा नहीं है कि हम लोग खुलेआम मांग रहा है। लोग खुलेआम लूट रहा है, लोग जनवितरण प्रणाली लूट रहा है, BDO लूट रहा है, खाद्य आपूर्ति विभाग सासाराम लूट रहा है, ये सब लूट रहा है लोग। इसलिए CBI जांच की मांग कर रहे हैं। इसलिए सच्चाई ये है कि हम लोग किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। इसलिए आज इतवार रविवार को BDO का पुतला दहन कर रहे हैं, नाराज होकर दहन कर रहे हैं। हम लोग भूखे मर रहे हैं, पानी भी न मर रहे, इसलिए BDO के हम लोग पुतला जो है दहन कर रहे हैं। आपका नाम? राम इकबाल शर्मा। कहाँ से? घर जबरा। राशन कटाइबे ना, सब कोई के राशन कटाइल हमनी के मिलबे ना कहले। आ तेल लेके डीलर भी जला पर डब्बा फेंक देत न हरे घर में प्रतिम रह के। क्या डीलर का नाम है? कुछ कॉलोनी वाला मिलते नहीं। डीलर के क्या नाम है? आ हमनी के कुछ मिला ना डीलर के नाम है। रामदेव कुछ देते ने खान ले जाके तेल तेल डीबा फेंक देता है। आपका नाम? एक लीटर तेल मिला तो ना राशन मिला तो लाल कार्ड रही बंद हो गया। आपका नाम क्या है? नाम आपको बताओ। चंद्राता देवी। कौन सा गांव से? जबरा। समस्या है जिसके लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अभी? हमनी के नहीं मिलत और क्या? राशन नहीं मिलत। अच्छा, सब तो खा घर तरह जाए। मुखिया, सरपंच, किसी अधिकारी से आप लोग बात किए हैं? सब खा जा तरह जाए। रोहतास से जिला ब्यूरो चीफ हरिओम चौबे के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट।